बात होगी बेबाक, राजनीति के पैतरे हो या समाज से जुड़े मुद्दे, हर उस आवाज को मिलेगी जगह जिसका सरोकार हो आपसे। न लाग न लपेट, हम करेंगे खास मुलाकात। जिस तरह बिहार में कोरोना महामारी के साथ चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, वहीं राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर बधाई देते हुए तेजस्वी पर तंज कसते हुए ददन पहलवान यादव बोले कि एक विधानसभा में करीब 35 से 40 हज़ार लोगों की आबादी रहती है। ऐसे में तेजस्वी ने समीकरण बैठाते हुए दोनों विधानसभा मिलाकर 72 हज़ार लोगों को खाना खिला रहे हैं, उन्हें दोनों विधानसभा सीटों पर जीत दिलाने में मददगार साबित होगा, जिससे उनके परिवार का एक सदस्य विधानसभा पहुँच सके। वैसे भी तेजस्वी वर्तमान में विपक्ष के नेता हैं और दो सीट पाकर भी विपक्ष के नेता ही बने रहेंगे। आरजेडी के वार पर बीजेपी को भी दर्द होने लगा है। इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी में पर्व बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप दुबे से जब नीतीश के ऊपर तेजस्वी के 84 दिनों के तंज के सवाल पर लालू के जन्मदिन पर लालू पर वार करते हुए नीतीश कुमार के बचाव में राजनीतिक तलवार खींच दिया। प्रदीप दुबे ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री मंत्री कोरोना संकट पर मुख्यमंत्री आवास से बिहार की जनता की सेवा में लगे हैं और प्रधानमंत्री जी के द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का पालन करते रहें, लेकिन तेजस्वी जी हमारे नेता 84 दिन लॉकडाउन में थे और अब बाहर आ गए हैं, लेकिन तेजस्वी के पिताजी किस कारण से जेल में लॉक हैं, यह कभी बाहर नहीं आएंगे, अतः आप नीतीश जी की चिंता छोड़ दें और अपने माता पिता की चिंता करें। होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार की उपलब्धि पर चर्चा करते हेतु पत्रकार वार्ता आहूति की गई थी, जिसमें लालू के जन्मदिन की बधाई तो मिला पर एनडीए गठबंधन की एकजुटता भी दिखाई दी गई। अब देखिए लालू जी के आज तो हम लोग का जन्मदिन है, हम लोग का बधाई है कि इनकी उम्र और आगे बढ़े, लेकिन भोजन की जो सवाल है, तेजस्वी का जो मानसिकता है, इनकी अपने से इनकी अंजात चल गया है कि हम आपकी लोक विधानसभा चुनाव में कितना आए हैं, तो 70-80 हज़ार के मतलब कि दो विधायक की इनकी सोच है कि दो विधायक के जितना क्षमता होता है, दो विधायक के जो कि भोजन करा रहा है बिहार में और तो है नहीं। यदि बिहार में एक विधानसभा से 35-40 हज़ार वोट से लोग जीतता है तो हर विधानसभा से 40-40 हज़ार आदमी को बुलाना चाहिए, तब ना बिहार में ही लड़ने की मानसिकता रखे। ये तो बिहार के गरीबों का अपमान है 70 हज़ार आदमी को खिलाकर। तो ये मान चुके हैं एक तरह से कि अब हम ज्यादा, अब देख लीजिए भोज दे रहे हैं तो अपना दो विधानसभा जो अपना परिवार के लोग लड़ते हैं वही विधानसभा के ही वोट दे रहे हैं। ये तेजस्वी जहाँ जहाँ जैसा जरूरत है बिहार के स्थिति आता है, वो हमने ये अपना क्षेत्र में नहीं, कोरोना से इनको डर है, समाज से इनको मतलब नहीं है। यदि समाज ले मतलब रहता तो बिहार में रहते, अब बिहार में मान लीजिए कि हम लोग विधायक हैं और वो भी विधायक हैं, वो विपक्ष के नेता हैं, उनको भी हर जगह जाने का अधिकार है, उनको भी कहीं सेंटर पर जाने से कोई रोक नहीं सकता है, कहीं हॉस्पिटल में जाने से रोक नहीं सकता है, तो ये क्यों नहीं काम किए? तो ये जहाँ जहाँ जैसा जैसा होता है वहाँ पर भाग जाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री पर तरह तरह के आरोप लोग लगाते हैं, तो मुख्यमंत्री की छवि तो कहीं नहीं है कि अपराध हुआ, नरसंहार हुआ, दंगा हुआ। और ये लोगों भी एक जो भी घटना घटता है, हम लोग दुखित हैं, जो हत्या होती है, घटना होती है, इससे हम लोग दुखित हैं, लेकिन हम तभी बोल सकते हैं जब हम पहले घटी हुई घटना पर अच्छी कार्रवाई किए होते। जैसे हमारे टाइम में जब हम बिहार में मंत्री थे, राबड़ी जी के सरकार था, एक दिन में 7 जादव की हत्या हो गई सिवान में मठिया पर, उस समय भी कुछ लोगों पुछार करने तक नहीं गए। मियाँपुर नरसंहार हुआ, उसमें भी जादव की संख्या ज़्यादा था, या कई कई जगह की घटना घटी है, हरिजन मुसहर जो भी गांव के गांव बस्ती उजड़ गई, उस समय भी लोग कुछ अपना से नहीं किए। ये लोग के तो काम है गलत काम करना, गलत लोगों के सहानुभूति आप देख लीजिए। तेजस्वी जी की समझ की कमी है। नीतीश जी कभी भी घर के अंदर बंद नहीं रहे, आप पिछले 15-20 वर्षों से जनता के बीच में जनता की सेवा करते आ रहे हैं, आज जिसका परिणाम है कि 15-20 वर्षों से लगातार वो इस देश के इस बिहार के जनता के स्वागत कर रहे हैं। जहाँ तक अंदर रहने की बात है तो लालू जी अंदर हैं और लालू जी जिस प्रकार से अंदर हैं, निकट भविष्य में बाहर भी नहीं आने वाले हैं, इसलिए नीतीश जी के अंदर को और लालू जी के अंदर को एक साथ तुलना करना ठीक नहीं है।
आज लालू यादव का जन्म राजद के कार्यकर्ता काफी उत्साहित है, क्या लगता है इसका चुनाव पर असर पड़ेगा? देखिए, लालू जी के जन्मदिन पर उनको शुभकामनाएं हैं, लेकिन जिस प्रकार से उनके बेटे जिस प्रकार कोरोना के दौरान दिल्ली में बैठे रहे, एक भी जनता के सुख दुख की चिंता नहीं किया, और दूसरी तरफ वो नीतीश जी पर आरोप लगा रहे हैं, तो नीतीश जी तो अंदर हैं, जनता की सेवा करने के लिए मुख्यमंत्री आवास में बैठे हैं, लेकिन लालू जी भ्रष्टाचार में और किस किस केस में हैं, इस देश की भी जनता है और बिहार की भी जनता है कि जनता जानती है कि लालू जी कहाँ हैं और किस लिए हैं। वो जेल में हैं, तेजस्वी जी को नहीं पता है क्या?